गंगा का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के अधिकतर गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगातार पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। दियारा क्षेत्र के रतिपुर बेड़िया शंकरपुर गांव जलमग्न हो चुका है। वहीं दिलदारपुर अजमेरीपुर श्रीरामपुर राघोपुर माधोपुर गाँव के लोग ऊँचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती यादव ने जिला प्रशासन से प्रभावित लोगों को पॉलिथीन वैकल्पिक शौचालय पीने का पानी सूखा राशन की मांग जिला प्रशासन से की है। बाढ़ प्रभावित लोगों का आरोप है कि बाढ़ को लेकर नाथनगर प्रशासन की तैयारी इस बार आधी अधूरी है। अभी तक जिस तेजी से उनकी ओर प्रशासन का ध्यान जाना चाहिए नहीं जा रहा है। बीडी न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से अजित कुमार की रिपोर्ट। बाढ़ ग्रसित इलाके का आपने दौरा किया, क्या क्या कमियां पाया, वहां पे क्या लोगों को मिला? देखिए ना, हम लोग नाथनगर जितने भी नाथनगर गए, रतिपुर बैरिया पंचायत शंकरपुर राघोपुर, हर जगह बाढ़ की समस्या इस बार आई हुई है। और मैंने नाथनगर सीओ स्मिता झा से भी बात की तो उन्होंने बताया कि जितने रतिपुर बैरिया पंचायत में राघोपुर में उन्होंने नाव की व्यवस्था करवाई है, प्लास्टिक की व्यवस्था करवाई है, लेकिन मैंने कहा खाद सामग्री जो भी वहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचा है, जल पानी की व्यवस्था करवाए और वहाँ पशु की चारा व्यवस्था को भी करवाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं फिर से निरीक्षण करते हुए जो भी ज़रूरत होगी मैं उसे पूरा करूँगी। और मैं भी जहाँ अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से जितना हो सके मुझसे बन सकेगा सभी जानवरों की और खाद सामग्री पानी की व्यवस्था जितना हो पाएगा मैं वो करूँगी।